गुड मॉर्निंग बच्चों, निंजा मैथ्स क्लास से आपका वेलकम करता है। और आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक छोटा सा पार्ट, जो कि क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये इजी है, इजी इसलिए है मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, करना है क्या है कि आपके पास इक्वेशन है, इसको सोल्व करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट पर लाना है, फिर बतलाना है कि हाँ ये है कि नहीं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट पर नहीं ला सकते तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब उसमें कंडीशन क्या है कि आपने पढ़ा ही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट क्या होती है, तो ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे ये जो है इसके जो कोफिशियंट है, कोफिशियंट क्या होता है, जब किसी भी नंबर में, ठीक है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एक टर्म में, जैसे हमको इसका कोफिशियंट x स्क्वायर के कोफिशियंट पता करनी है, तो इसके साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या जुड़ा हुआ है वो होगा इसकी कोफिशियंट। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक कांस्टेंट टर्म या फिर वेरिएबल का या फिर उसके कंबाइंड का कोफिशियंट वो नंबर होता है, वो एक्सप्रेशन होता है जो इसके साथ, किसके साथ, जिसका हम कोफिशियंट पता कर रहे हैं उसके साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में कंबाइंड हो, तो वह उसकी कोफिशिएंट होती है। यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इनटू एक्स स्क्वायर। तो अब एक्स स्क्वायर के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में कौन जुड़ा हुआ है, ए, तो ए क्या हो गया, कोफिशिएंट, क्या है, कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंडीशन ये है कि जो एक्स स्क्वायर है उसकी कोफिशिएंट आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो हो गई तो सारा मामला, तो क्या होगी उसमें जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी वो टू होगी ही नहीं, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, तो मेरे पास ये है पहला इक्वेशन x प्लस वन का होल स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री। अब इसको सॉल्व करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मेट पे हम इसको क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल्स टू टू एक्स माइनस सिक्स। तो ये हो जाएगा आपका फिक्स, किस तरफ, ये टू एक्स है और इस बेचारा किधर आते हैं, ठीक है, और ऑलरेडी मेरे पास प्लस वन है, ये फिर इधर आते हैं, हो जाते हैं सिक्स। तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरे पास जीरो है, तो वहां पे हम जीरो एक्स, जीरो के साथ एक्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा ये किस फॉर्मेट पे आ गए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए क्या है, कुछ नहीं, तो ये तो वन हो गया, बी क्या है, जीरो है, सी क्या है, सेवन है। तो इस तरीके से हमने इस अलजेब्रिक इक्वेशन को क्या किया, इस फॉर्मेट पे ला लिया, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें यही चीज है क्या कि क्यों देखकर पता नहीं करना है, क्योंकि होता क्या है कि देखता कुछ और आदमी होता कुछ है। अब ये है क्वेश्चन नंबर टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल्स टू टू थ्री माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स टू थ्री सिक्स माइनस टू एक्स। अब सबको इधर लाइए, ठीक है, टू एक्स ये हो गया प्लस टू एक्स हो गया माइनस सिक्स जीरो। अब अगर बना दिए तो अपन के ही हो एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो हम इसको कर सकते हैं जीरो एक्स, फिर हो गया माइनस सिक्स जीरो। अब ये आ गया इस फॉर्मेट पे, ठीक है, सी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई, कुछ नहीं तो वन, बी की जीरो और सी की माइनस सिक्स। तो ये भी क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्स प्लस एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। देखिए, अब एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, अभी हो गया क्या हो गया प्लस थ्री एक्स, फिर हो गया ये माइनस एक्स, फिर हो गया ये माइनस थ्री। अब करना क्या है कि भाई इस राइट वाले सारे टर्म को लाना है लेफ्ट की तरफ,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हो गया प्लस टू एक्स माइनस थ्री। अब ये हो गया कैंसिल, तो कहानी यही समाप्त हो गया। ठीक है, फिर दोहराने की जरूरत भी नहीं है। तो x माइनस थ्री, ये बेचारे यहाँ पे हमने क्या किया, हमको ये नहीं मिला, मतलब हमको इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस पॉलीनोमियल की जो डिग्री है वो टू नहीं है, इसीलिए बेचारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब आते हैं किस क्वेश्चन पे। मेरे पास है अभी और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो क्या है, अब करना क्या है, इसमें मेन पॉइंट यही है कि जो भी आपका एक्सप्रेशन दिया रहेगा ले ले आरएच, इसको सॉल्व करके ही पता करना है कि हाँ वो है कि नहीं। ठीक है, अब इसमें मेरे पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है, एक्स माइनस थ्री, फिर हो गया टू एक्स प्लस वन, फिर हो गया एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव। ठीक है, अब हो गया ये देखिए टू एक्स स्क्वायर हो गया, फिर इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस चीज को करेंगे माइनस सिक्स एक्स सिक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, फिर फाइव एक्स। अब देखिए अब ये और ये एक तरफ आना है। ठीक है, फिर एक्स, फिर ये भी इधर ला देंगे माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री थ्री थ्री, ये हो गया आपका थ्री। अब देखिए हो गया अलेवन एक्स माइनस प्लस एक्स हो गया माइनस टेन एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, अब बन गया जीरो। ठीक है, ये हो गया प्लस माइनस थ्री। तो देखेंगे मैंने इसको इस वाले फॉर्मेट पे ला दिया। ठीक है, जीरो मीन्स यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई वन, बी की वैल्यू हो गई माइनस टेन, सी की वैल्यू को माइनस थ्री, मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है, फिर क्या करना है, फिर उसका ये डिसाइड करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। पता है इससे हमने क्या सीखा और आप भी क्या सीखे होंगे कि किसी भी व्यक्ति को ना केवल एक ही बार देख कर ना ऊपर से जज नहीं करना है, उसके साथ टाइम भी देना है। ठीक है, उसको जो आपके जितने से डाउट है उसे क्लियर कर दे, फिर आप कंफर्म करें कि हाँ भाई ये व्यक्ति आपके लायक है कि नहीं। थैंक यू, हम अगले टॉपिक में इस चैप्टर में मिलेंगे। बाय बाय। हेलो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि मैथ्स की सारे टॉपिक कुछ ना कुछ लेसन ज़रूर देकर जाती है। ठीक उसी तरीके से किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन को देखकर आप यह नहीं बोल सकते कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जब तक कि आप उसको सॉल्व नहीं कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ कि भाई ये मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट पर फिट बैठ रहा है, तभी जाकर होगा। इस वीडियो का थंबनेल भी हमने लिखा है कि सूरत पर नहीं जाना है, सीरत पर जाना है। इसका सेंस ये है कि किसी भी व्यक्ति को देखकर उसके चेहरे से डिसाइड नहीं कर लेना कि हाँ भाई वो सुंदर दिख रहा है तो उसका व्यवहार सुंदर ही होगा। उसके साथ कुछ देर रहेंगे, कुछ दिन टाइम बिताएंगे, तभी आपको पता चले कि हाँ वह व्यक्ति था कुछ और है कुछ और, कि व्यक्ति दिखता कुछ है लेकिन होता कुछ है, यह आपको तुरंत पता नहीं चलेगा जब आप उस व्यक्ति के साथ कुछ समय पास करेंगे, कुछ समय बिताएंगे, तब आपको पता चलेगा।